তুলেনি, তুই গ্যারেজ ভর্তি তোলে না 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 আ सर आज क्या इंसिडेंट घटी है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। एक्चुअली हमारा आज एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे एनसीसी सब डिविजन का टीम ने बुद्ध मंदिर के पास रेड किया और एक ऑटो रिक्शा के अंदर चार लोग थे इंक्लूडिंग ड्राइवर, इनको पकड़ के इनके पास सर्च करने में हमको 800 केस हीरोइन मिला है। ये लगभग वेट इसका 97 ग्राम आ रहा है, इसका मार्केट वैल्यू अराउंड 1.5 करोड़ है। इसके हम लोग और 4 पीपल को अरेस्ट किया है इस केस में, अभी और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और भी इसका नेटवर्क का लिंकेजेस सब निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन लोगों का नाम क्या है सर? इनका एक है राजकुमार है, एक छोटो कुमार और एक धर्मेंद्र कुमार और एक रामानंद रॉय है। इसमें से 3 लोग बिहार के हैं और एक केजूर बगान का है। सर प्राइस कितना होगा टोटल इसका? मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ होगा। सर दिखाया जा रहा है कि जितने भी ड्रग्स पेडलर्स है सब बाहर के लोग होते हैं, खास करके बिहार के लोग, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि बिहारी से इधर के बहुत सारा हम लोग जो सीजर हो रहा है, इवन कैनाबिस में भी ऐसे देख रहे हैं और हीरोइन में भी देख रहे हैं कि बिहार से बहुत लोग आके इधर से खरीद के उधर ले जा रहे हैं। तो ये भी हम लोग एक स्टडी करने का अवसर है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी हम लोग डिटेल में देख रहे हैं इसका। सर आगे जाके क्या प्रोसीजर रहेगा सर? इसमें अभी इंडिकेस केस रजिस्टर हो जाएगा और इनको हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे कल और इनके 5 दिन का रिमांड लेंगे और इनका जो भी लिंकेज है कहाँ से लेके आ रहे थे और किसको सप्लाई कर रहे थे पूरा ये पूरा लिंकेज हम लोग क्रैक करेंगे। सर गलत बात है, हम लोग उसके साथ ही है, हमारा जीबी का हमारा आउटपोस्ट भी है उधर, वो लोग जीबी पुलिस भी उनको देख रहा है और उसका इंक्वेस्ट सब हुआ है और पीएम भी हो चुका है और इसका स्पेसिफिक केस पीएम अभी तक हुआ ही नहीं है। इवनिंग आज ही हो जाना, आज हो जाना चाहिए था, अभी तक जो जिन्होंने आफ्टर सनसेट पीएम नहीं होता है, कल सुबह हो जाएगा और इसके हम लोग स्पेसिफिक केस भी ले रहे हैं। परिवार की तरफ से तो कहा गया जो उनके जो इंसिडेंट हुआ था अभी मर्डर केस ही ले रहे हैं। हाँ गिरफ्तार किया नहीं, अभी हम लोग रेड में गए हैं, पूरा इसको कौन किया सब हम लोग अभी लेके आएंगे। नहीं मतलब पुलिस वाले का ये उन लोगों का जो बोला गया मीडिया के सामने, उन्होंने बोला है कि एक बार खैरपुर पुलिस स्टेशन में जाओ तो एक बार पूर्व थाना में जाओ, इधर उधर चक्कर काटते काटते उन लोगों का हालत खराब हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, गलत बात है, अभी पूर्व थाना में भी केस हो रहा है। तो जब सुना इंसिडेंट हुआ पूर्व थाना क्यों नहीं गया? ये आज मतलब नहीं, ये तो नहीं चाहिए था। खैरपुर का आउटपोस्ट का जो थाना है उनको वो लेके आके इमीडिएटली हमको पूर्व थाना में बुजुर्गनगर का आउटपोस्ट ही था तो वो लोगों ने किया है और पीओ देखने से हमें अंडर ये मतलब केस आ रहा है तो इस केस में केस हो रहा है।